नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हर पल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। आज केनरा बैंक बिश्नोली खेमचंद ब्रांच में रात में चोरों ने असफल चोरी का प्रयास किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस गली से, यहां सामने एक खिड़की है। इस खिड़की को गैस कटर से काट कर दो आदमी बैंक के अंदर गया और 2 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक बैंक के अंदर चोर रहते हैं और हर तरह का कोशिश की जाती है चोरी करने के लिए, हर तरह की कोशिश की जाती है। बजबता गैस कटर अंदर जाता है, लॉकर तक को काटने की असफल प्रयास की जाती है। लगातार गैस चलाया जा रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। जब सफल नहीं हुआ, चोर जो है लास्ट में बैंक से निकलने से पूर्व CCTV कैमरा का DVR समझकर जो बैंक में कंप्यूटर से लिंकअप के लिए सर्वर का जो बॉक्स होता है वो लेके निकल गए और CCTV DVR बैंक में ही छोड़ दिए। CCTV का वो को भी खंगाला जा रहा है। फुटेज कुछ निकला है, कुछ है हमारे पास, हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ गोपनीय है, वो बैंक के पास है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक हो सकता है वो सार्वजनिक के लिए हम लोग के पास उपलब्ध है। लेकिन आपको बताता चलूं, इस बैंक में ये तीसरी बार चोरी हो रही है। पहले भी एक बार इसी गली से पीछे की ओर से बैंक के दीवार को तोड़ा गया था, काटा गया था, लेकिन उस समय भी सफलता नहीं मिली। दूसरी बार इसी बैंक के इस ATM को आप देख सकते हैं, इस ATM को इसका रट से तोड़ के आज भी वहाँ ईटा का दाग लगा हुआ है, तो उस चोरी की गई थी लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुआ था, वो भी असफल ही रहे थे। और ये तीसरी घटना है। इस तरह की घटना क्या दर्शाती है? आखिर के नगर क्षेत्र में एक बैंक है, चौक से ज़्यादा नहीं, 200 से 300 मीटर के पीछे आपको बैंक मिलेगा, केनरा बैंक। जब भी आप गुजरेंगे पूर्णिया से बनमनकी की ओर गुजरेंगे तो राइट हैंड में आपको मिलेगा। यहाँ से थाना की दूरी, केनगर थाना जो है इसकी दूरी मात्र 500 मीटर से भी नीचे का होगा, 400 मीटर मान लीजिए। पेट्रोलिंग पार्टी बजाबता पेट्रोलिंग में रहती है। चोर जब आए यहाँ चोरी करने तो बजाबता गैस कटर लेकर खिड़की में ग्रिल लगा हुआ है, उसके आगे शीशा है, ग्लास के पीछे जो ग्रिल है, पहले ग्रिल को काटा जाता है। तो आप समझ सकते हैं गैस कटर से जब ग्रिल काटा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बनता है लाइट, उस लाइट पर भी किसी आदमी का नहीं नज़र पड़ा। 2 बजे चोर प्रवेश करता है बैंक में, लगातार हर विधि बैंक में वो अपनाता है, जहाँ जहाँ उसको हो सकता है हर चैम्बर को सर्च करता है, हर टेबल पर जाता है। लास्ट में वो जब लॉकर में पहुँचता है तो लॉकर में बहुत कोशिश की करता है लेकिन वो काट नहीं पाता है। इस इतने देर में किसी भी आदमी को पता नहीं चलता है कि इस बैंक में चोरी हो रही है या डकैती हो रही है। प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन का क्या व्यवस्था है रही कि आज जो बैंक में चोरी हुई, क्या ये भविष्य में अंकुश लगेगा कि क्या इस बैंक में ऐसे ही चोरी होती रहेगी? हमने बैंक मैनेजर से बात किया है, घटनाक्रम पर पूछा है कैसे क्या घटना हुई है, बताया है। हम आइए आपको आगे इस वीडियो में दिखाते हैं, साथ ही वो CCTV फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें कि चोर लगातार बैंक घुसने के बाद लॉकर को तोड़ने का, गैस कटर से काटने का प्रयास कर रहा है, वो भी आप इसमें देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज सुबह 9:30 बजे हम लोगों ने ब्रांच में आया, आने के बाद हम लोगों ने देखा कि खिड़की जो है कटा हुआ था और मेरा जो है गैस जो है वो जो है डबल लॉक जो है वो डैमेज हो रहा था, तो हम लोग इसकी सूचना जो है हम जो है अपने अधिकारी और जो है निकटतम थाना को दे दिया है। आपने अपना निरीक्षण किया बैंक का, तो किधर से आदमी चेक किया? वो खिड़की होकर के खिड़की किस तरह से काटा गया? खिड़की से आपको जो है राइट साइड जो है ब्रांच के राइट साइड के वाल से काटा गया है। किस चीज़ से काटा गया है? गैस कटर से। आपके बैंक से क्या क्या ऐसा कुछ है जो लेके जा सका हो? वो जांच का विषय है, वो हम लोग ऑलरेडी जो है थाना आवेदन दिए। थाना में क्या परिचय है सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, मैं यहाँ पे शाखा प्रबंधक हूँ। कौन ब्रांच है ये? केनगर ब्रांच, केनरा बैंक का केनगर ब्रांच है। ब्रांच का नाम केनगर ही है? हाँ, बिश्नोली खेमचंद। तो भी आ जिला जी पूर्णिया।